हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एफ स्टेप के बारे में। एफ स्टेप क्या है, एफ स्टेप का यूज क्या है, एफ स्टेप में एंट्री कैसे करते हैं और एफ स्टेप का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफ स्टेप है क्या। एफ स्टेप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसके अंदर में हमारे सारे पार्टीशन और स्टोरेज डिवाइस की एंट्री होती है। एफ स्टेप को फाइल सिस्टम टेबल भी बोलते हैं। अगर आपको कोई भी पार्टीशन या स्टोरेज डिवाइस को परमानेंट माउंट करनी है या अनमाउंट करनी है तो उसके लिए आपको एफ स्टेप का यूज करना पड़ेगा। एफ स्टेप के जरिए आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एफ स्टेप में एंट्री कैसे करते हैं। अगर आप सिस्टम पे कैट ETC एफ स्टेप करोगे तो आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैट ETC एफ स्टेप को ग्रैब किया हुआ है तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये 6 टैब है, ठीक है। ये पहला टैब किसके लिए होता है, ये दूसरा टैब किसके लिए होता है, ये तीसरा टैब किसके लिए होता है, ये चौथा टैब किसके लिए होता है, ये पाँचवा टैब किसके लिए होता है और ये छठा टैब किसके लिए होता है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये 6 टैब किसके लिए यूज होता है। तो पहला टैब में हमारे डिवाइस की डिटेल्स होती है। अगर आपको कोई पार्टीशन के डिटेल्स डालनी है यहाँ पे तो उसके लिए आपको सिलेक्ट टैब, उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन का नाम, या तो आप UUID डाल सकते हो। अगर आपको LV का डिटेल्स डालनी है तो यहाँ पे LV का पाथ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है डेव मैपर, उसके बाद यहाँ पे VG, उसके बाद यहाँ पे LV। आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टैब के बारे में। इसमें माउंट पॉइंट की डिटेल्स होती है। माउंट पॉइंट का नाम डालते हैं यहाँ पे, किस नाम से माउंट पॉइंट बना रहे हो उसकी यहाँ पे डिटेल्स होती है। और तीसरा टैब होता है फाइल सिस्टम टाइप। यहाँ पे फाइल सिस्टम की टाइप आती है, जैसे XFS हो गया, EXT4 हो गया। अगर आपका ISO है तो ISO की डिटेल्स डलेगी, स्वेप है तो स्वेप की डिटेल्स डलेगी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथा टैब के बारे में। ये चौथा टैब हमारे ऑप्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद ये पाँचवा टैब हमारा बैकअप ऑपरेशन के लिए यूज होता है और ये छठा टैब हमारा फाइल सिस्टम चेकिंग ऑर्डर होता है। अभी हम लोग ये चारों टैब के बारे में देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फाइल सिस्टम टाइप के बारे में, तो उसके कुछ एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो XFS ये फाइल सिस्टम है, ये स्वेप है। अगर आपको फाइल सिस्टम टाइप देखनी है तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी LSBL के, उसके बाद यहाँ पे -F करोगे तो ये देखिए यहाँ पे फाइल सिस्टम टाइप दिखा दिया। ये XFS है, ये LVM का मेंबर है, ये दिखा दिया है, ये स्वेप है, ये ISO है। इसके कुछ और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये फाइल सिस्टम टाइप है, ST3 है, HFS है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए TMPFS है, UDF है, NFS है, VFAT है, ठीक है। तो उसकी एंट्री डलती है वहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे ये चौथे टैब के बारे में। तो चौथा टैब हमारा ऑप्शन के लिए यूज होता है। अगर आप डिफॉल्ट के साथ माउंट करोगे तो आपको ये राइट्स मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। राइट के मिलेंगे SOID की, डेब की, एग्जीक्यूट की और यहाँ पे ऑटो, नो यूजर और एसिंक की। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपको रीड राइट करनी है तो रीड राइट ऑप्शन का यूज करोगे। अगर आपको नो एजुकेशन चाहिए तो इसका यूज कर लोगे, एजुकेशन चाहिए तो इसका यूज करोगे, ठीक है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करोगे। इसकी एंट्री कैसे होती है मैं बता देता हूँ। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन का यूज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोमा देके यूज करोगे, ठीक है। अब मैं आपको डिफॉल्ट ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी कैट ETC एम टैप करोगे, तो ये देखिए सारी ये डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ माउंट है, ठीक है। या तो आप कमांड यूज कर सकते हो कैट प्रॉक, उसका यहाँ पे माउंट करोगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे भी दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टैब के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पांचवा टैब के बारे में, बैकअप ऑपरेशन टैब के बारे में। पांचवा टैब हमारा बैकअप ऑपरेशन का होता है। ये डंप यूटिलिटी बैकअप के लिए यूज होता था।
ये आपका पुराने फाइल सिस्टम में यूज होता था, जैसे EXT2, EXT3 फाइल सिस्टम में यूज होता था। ये पार्टीशन का बैकअप के लिए यूज होता था। ये आउटडेटेड हो गया है, इसका यूज अभी हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप वहाँ पे जीरो करते हो तो आपका बैकअप नहीं लेगा, अगर आप वहाँ पे वन करते हो तो आपका पार्टीशन का बैकअप होगा। ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। बेसिकली ये पांचवा टैब हम लोग पार्टीशन का बैकअप एनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टैब के बारे में, फाइल सिस्टम चेक ऑर्डर। ये फाइल सिस्टम ऑर्डर चेक करता है, ये बूट के टाइम में फाइल सिस्टम ऑर्डर चेक करता है। अगर आपको एनेबल करना है तो जीरो का मतलब होता है फाइल सिस्टम चेक नहीं करेगा। अगर आपको रूट फाइल सिस्टम के लिए करना है तो वहाँ पे वन करना पड़ेगा और दूसरे पार्टीशन के लिए टू करना पड़ेगा। अगर आपका रूट फाइल सिस्टम टाइप BTRFS या XFS है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा जीरो। अगर आपका रूट फाइल सिस्टम रीड ओनली मोड में चला जाता है तो उसको रीड राइट मोड में करने के लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी, माउंट हाइफन ओ रिमाउंट, उसके बाद यहाँ पे कोमा, उसके बाद रीड राइट, उसके बाद स्लैश रूट। उसके बाद आपको कमांड चलानी है सिस्टम CTRL डेमन रीलोड, वो आपका रीड राइट मोड में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ FSTM में एंट्री कैसे करते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पे VI करनी है, ETC, उसका FSTM, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स डाल देनी है, उसके बाद एस्केप करके यहाँ पे WQ यूज करोगे और सेव करके बाहर आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।